नमस्कार, खम्मा घणी, जय जय राजस्थान। जी हाँ, आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान की रेतीले धोरों वाली यह धरती अपने संघर्षमय इतिहास के लिए जानी जाती है। संघर्ष चाहे महाराणा प्रताप का रहा हो, या पन्ना धाय का, या पद्मावती का। संघर्ष चाहे रेगिस्तान में बिना पानी के जीने का हो, या आग बरसाती जमीन पर मुस्कुराने का। संघर्ष आज भी जारी है, क्योंकि संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक जिंदगी है। परंतु आज हम आपको राजस्थान दिवस के मौके पर तीन ऐसी कहानियां दिखाने जा रहे हैं जो तीन अलग अलग तरह के संघर्ष को बयां करती है। पहली कहानी सामाजिक कुरीतियों को रोकने का संघर्ष है, तो दूसरी कहानी में पुरानी संस्कृति को बचाए रखने का संघर्ष है, और तीसरी कहानी उन युवाओं की है जिन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के शिकार गाँव में अपनी मेहनत से विकास की गंगा बहा दी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बाड़मेर के पास समदड़ी। दहेज पिशाचिनी नाच रही है खूनी खप्पर भर भर कर। गरीब पिता जब मंडी पहुंचा भौचक रह गया सुन सुनकर। दहेज की प्रथा ना जाने कितनी ही जिंदगियों को लील गई है और ना जाने कितने ही परिवारों को तबाह कर चुकी है। सभी मानते हैं कि एक सामाजिक कुरीति है और लोग इसका विरोध भी करते हैं, परंतु लेने से कोई भी मना नहीं करता। जो सक्षम थे उन्होंने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और नतीजा यह निकला कि शादियां सौदों में बदलती चली गई। दो नए संबंधियों के बीच का व्यवहार व्यापार में बदलता चला गया, और दहेज रूपी यह दान दानव बनकर ऐसा हावी हुआ जिसमें देने वाला लाखों देकर भी गर्दन झुकाए रहा और लेने वाले की मांग और अकड़ दिन ब दिन बढ़ती ही रही। परंतु राजस्थान के बाड़मेर जिले से दहेज के इस दानव पर जोरदार तमाचा मारा गया है। ये खबरें सुकून देती हैं, ये खबरें साबित करती हैं कि मेरा देश बदल रहा है। राजस्थान में शादी से पहले लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ टीका लेकर आते हैं। ऐसी ही टीके की रस्म को पूरा करने के लिए समदड़ी तहसील के देवड़ा गांव में गजेंद्र सिंह पुत्र मीर सिंह के यहाँ सूर सिंह यानी कि लड़की वाले भी पहुँचे। पुरानी चलती आई रस्म के अनुसार तिलक की रस्म में नगद पैसे भी दिए जाते हैं, इसलिए सूर सिंह जब 5,51,000 रुपए दूल्हे की थाली में डालने लगे तो दूल्हे के पिता ने पूरी विनम्रता के साथ उस राशि में से मात्र 500 रुपए शगुन के तौर पर रखकर बाकी के पैसे ये कहते हुए लौटा दिए कि हमारा सबसे बड़ा धन आपकी बेटी है। 5,51,000 रुपए सूर सिंह जी ठाकुर जुगो सिंह जी मेरे पीछे के तिलक दस्तूर में दिए थे, उन रुपये को मैंने सहर्ष वापिस लौटा दिया। अभी दहेज प्रथा टीका दस्तूर ये प्रथा सब बंद होनी चाहिए। बेहद खुशी हुई कि हमारे समाज में ऐसे लोग है मौजूद है जिन्होंने टीका नहीं लिया और बिना टीके रिश्ता तक कायम किया और तय रखा, इसलिए हमारे समाज में ये बहुत बड़ी दिशा जाएगी। और हमारे समाज के अन्य सरदार विराजमान 1,500 लोग थे, सब ने खुशी जाहिर की। कम से कम इस राजपूत समाज के अंदर ये बुराइयां हैं, इनको आप मिटो, भूखे भेड़िए मत बनो, और जो कुछ आप लें जो वास्तविक है आपका धन वो है सच्ची बच्ची, उस बच्ची को आप संस्कारित कीजिए। राजपूत समाज के इस परिवार ने न केवल दहेज रूपी दानव को तमाचा मारा है, वहीं पूरे समाज को भी कन्या और कलश का संदेश दिया है। समदड़ी क्षेत्र में ही दूसरा वाक्या कर्मावास गांव का है, जहां कोरना गांव जालोर से आए माधु सिंह भी अपने जमाई को तिलक दस्तूरी में देने के लिए 2,51,000 रुपए लेकर आए थे, परंतु लड़के के पिता हुकुम सिंह ने रकम ये कहते हुए लौटा दी कि हमें आपकी बेटी चाहिए जिससे कि हमारे घर में उजाला होगा। कर नहीं, अभी आपको मालूम है ऐसे वो बच्चे बच्चे के सब चल रहे हैं, ऐसे अपने से लेने से क्या भी होगा। आप समाज के अंदर क्या संदेश देना चाहते हो? ये है कि आगे से किसी कोई भी ऐसा भाई नहीं करेगा। हुकुम सिंह जी के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने इस समाज को एक नया संदेश दिया है कि इस प्रकार को बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, टीका है, दहेज है, जो भी रुपये है वो प्रकार के नहीं लेके इस बेटी को अपने बहु मान के सुपुर्द लिया। समदड़ी के ही सांखलों की ढाणी में भी एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा उस समय देखने को मिला जब लड़के के पिता अमर सिंह सोलंकी ने अपने बेटे विक्रम सिंह के ससुराल वालों को 5,11,000 रुपए वापस लौटा दिया और कहा कि ये पैसे आप आपके परिवार की अन्य लड़कियों की शिक्षा में लगाएंगे तो हमें लगेगा कि हमें हमारा दहेज मिल गया। ये टीका जो सुरी है आगे से बंद हो सके,
और जो भी लेन देन करते हैं वो ऐसे नहीं करनी चाहिए। जो भी देते हैं अपनी बच्चियों के लिए बंद रूप में और बंद पेटी के रूप में देना चाहिए, सोना गहना और पैसा है आगे से बंद होना चाहिए। और आगे से ये करना चाहिए अपनी बच्चियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ और अपने समाज को सुधार करने के लिए संदेश भेजो आप और आगे से आगे कुछ पीढ़ी बढ़ती रहे। ये तीनों घटनाएं राजपूत समाज की हैं, जो सभी समाजों को एक सुंदर संदेश देती हैं और बता रही हैं कि मेरा देश बदल रहा है। इन तीनों ही परिवारों की इस पहल को A1 TV का सलाम।